आइए एक टुकड़ा आपके लिए, क्योंकि संपूर्ण रात्रि बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे भैया समू भैया जवाब लेकर आएंगे, बहुत आनंद आएगा आप सभी को। अब देखिए वास्तव में कार्यक्रम अब प्रारंभ हुआ है, आप लोग जा रहे हैं, जवाबी अभी शुरू हुई है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बने? अगर सर्दी लग रही है तो कोई व्यवस्था कर ले आप लोग, कम्बल लम्बल ओढ़ ले। आज तो मैं आप लोग जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहूंगी एक बार बैठ जाएं, बैठने से सर्दी कम लगेगी। आइए बड़े भैया एक खंड गीत दे रही हूँ, चलो बड़े कि पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का सामने आए। सात दिन कथा चली, पंडित जी ने सात दिन कथा को पढ़ा, सुनाया सभी को बड़े विस्तार से। अब सात दिन बाद जब भंडारा हुआ तो सभी लोग हमारे विक्रम भैया के पास पहुंच गए, कहने लगे दाऊ साहब सात दिन कथा का श्रवण किया है, आज भंडारा है, कुछ होना चाहिए। अब देखिए चुनाव पास में आ रहे हैं, चुनाव पास में आ रहे हैं, भैया ने सोचा अब देखिए हम अपने मन का नहीं, आप लोग बताएं क्या होना चाहिए। कथा सात दिन आप लोगों ने सुनी है, चलिए कीर्तन हो जाए। कहा भैया सात दिन कथा में कान पक चुके हैं, कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। भैया बोले कथा से अच्छा कीर्तन से अच्छा क्या हो सकता है? बोले बड़े भैया हम चाहते हैं कि नाच हो जाए। बड़े भैया परेशान है क्योंकि चुनाव सामने है, आप लोगों के मन का करना है, ठीक है नाच हो जाए। नाचने वाली भी बुला ली, संपूर्ण रात्रि नाच हुआ, नाचने वाली चली गई अपना पेमेंट लेकर। देखिए जो हमारे कथा पर व्यास बने हैं हमारे पंडित जी महाराज, वो परेशान हैं, वो जाकर परमात्मा के द्वारे में खड़े हो गए, बात करने लगे मन ही मन। हमारे विक्रम भैया आए, कहा पंडित जी कुछ चाहिए आपकी पूजा, कुछ कमी तो नहीं है? कहा कुछ भी कमी नहीं है जजमान, आप जाएं। हमारे भैया फिर चले गए, देखते हैं एक दिन बाद घंटे दो घंटे बाद आए, हमारे पंडित जी वहीं खड़े हैं। कहा कुछ चाहिए, पैर पकड़ लिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
देख के वो कहने लगे पंडित जी व्यास जी महाराज कि जजमान आपसे कुछ नहीं है, मैं तो परमात्मा से बातें कर रहा हूँ कि हे प्रभु देखिए मैंने 7 दिन कथा भागवत की है तो 7 दिन में मुझे क्या मिला क्या? और देखिए नाचने वाली एक रात नाच कर गई उसे क्या मिला, क्या बात है? तो कहना पड़ा क्या तो कहना पड़ा पंडित जी सवाल कर रहे हैं प्रभु से कि देख देख के सुन सुन के छाई है खामोशी नहीं आए जितने उस नाचने वाले के सामने आ गए। तो पंडित जी प्रश्न कर रहे हैं प्रभु से, कहा प्रभु क्या कि देख देख के सुन सुन के छाई है खामोशी तो भक्ति भाव में मन नहीं लागे मन में है मदहोशी कि भक्ति भाव सब लीला तेरी जगदीश किस दोष नहीं है किसी का जग में लीला तेरी जगदीश तो रामदास को कि राम कली को मिले 300 रामदास को 300 जो नाचने वाली है एक रात नृत्य किया उसको 300 मिले मैंने कथा की मुझे केवल 30 पेमेंट मिला 30 रुपए तो कहना बात क्या दोष नहीं है किसी का जग में सब लीला तेरी जगती राम कली को मिले 300 रामदास को 300 हद कर दी आपने प्रभु हद कर दी आपने आपके सामने आ रहे हैं हमारे बड़े भैया भैया श्री शंभू अलचल जी। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और जो भी बात मेरी या मेरे बड़े भैया भैया श्री शंभू अलचल जी की कोई भी बात अच्छी लगे मैं चाहूंगी जोरदार तालियां आप अपने उत्साह के लिए हमारे हम बच्चों के लिए दिया करें। नीलम जी आपने इस चक्र में हमको बड़ा डांटा फटकारा है। शंभू भैया आपको मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मैं आपसे छोटी हूं और आपने बहुत बड़ा भारी गीत रख दिया इसलिए मैंने उम्र का तकाजा कह दिया। बिटिया बड़े सदा छोटों को सिखाते हैं। बिल्कुल अब मैं आज से तुम्हारे सामने ही भारी गीत रखूंगा और सबके सामने सरल गाऊंगा। उसका कारण यह है अगर मैंने भारी गीत रखा तो तुम संभल जाओगी और चूंकि अभी तुमको सभी से गाना है कहीं दूसरे कलाकार ने रख दिया तो दिक्कत होगी ना।
इससे पहले मैं बड़े होने के नाते तुमको वो सारी विधाएं बता देना चाहता हूं जो तुमको आगे लोग बताएंगे। इसलिए मैंने अच्छा गीत रखा और क्या, कि कम से कम उसको समझ लीजिए। लेकिन आपकी समझ में ना ये अलग बात है, क्योंकि बात हीरा होती है, बात मोती होती है, क्योंकि बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। लोग कहते हैं बातों में आ जाता हूं, पर बात कुछ और है बात में, जो बातों में आ जाता हूं। आइए, बहुत बढ़िया नीलम जी, ये कट पीस आपने बताया है, मोहन भैया गाते थे, गा चुके हैं हमारे सामने। हो सकता है उस समय मैंने कुछ और उत्तर दिया हो, इस समय प्रयास कर रहा हूं शायद बात बन जाए। वैसे बिटिया रानी, जो आपने कहा है शंभू भैया आप गिनती पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, ये बेटा प्रारंभिक शिक्षा है और क्या, इसको समझने की जरूरत है। हाँ, हम तुमको सीधे सेंटेंस पढ़ाने लगे उसका क्या मतलब है, तुमको पहले आ ये पढ़ाएंगे, बिल्कुल गिनती पहाड़ा पढ़ाएंगे। अगर हम ये नहीं पढ़ाएंगे तो तुम सीधे सीधे एकदम एक्स वाई जेड, काम खत्म, एबीसीडी से कोई मतलब है नहीं। हाँ, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा सीखिए, जब तक प्रारंभ में आप नहीं चलेंगी, नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे टिकेगी बिटिया रानी। और क्या, वो कह रहे हो कि ये लाए हम, वो लाए, वही लाते ही है, हमारी एक आदत है। आइए चलाऊं, चलिए, गीत बड़ा सुंदर आया है आपका, गीत कह रहा है, अरे पल तो पल का ये सफर, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, हमने हंस के आपसे कर ली है दो बात, आप तो लेकर आ गए मेरे घर बारात रे, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, हद कर दे आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। संजय भैया उत्तर सुनिएगा, गहराई से प्रयास कर रहा हूं, अरे कैसे वो कथावाचक थे। हाँ, जो सृष्टि का सार जानता हो, कथा व्यास का तो मतलब वही है, मनीषी विद्वान, और क्या, और विद्वान को ये समस्या हो रही है, फिर वो विद्वान थोड़ी था, वो लोभी था। लोभी पंडुप्पी, क्योंकि राम गली के 300 देख रहा है, अरे किसी को क्या मिल रहा है, हमसे क्या मतलब, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा, इस भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न कुछ मिलेगा, चाहे वो जितनी ताकत लगा दे अपनी। इसके मानी पंडित जी की कथा करना बेकार है। हमको वो घटना याद आ गई, एक बार एक प्यासी मंच पर बैठे, उन्होंने कहा राम नाम लेने से लोग भाव सागर तर जाते हैं। एक ग्वालन कथा सुनने आया करती थी, उसने सोचा राम नाम से लोग भवसागर तर जाया करते हैं, और मैं रोज नदी पार करती हूँ, 2 रुपए देती हूँ, और फिर उस पार जाती हूँ तो 2 रुपए देती हूँ, मैं 4 रुपए खर्च करती हूँ, अब मैं नहीं किया करूंगी, क्योंकि राम के नाम से ही भवसागर लोग पार करते हैं, ये तो नदी है। उस ग्वालन ने राम का नाम लेना शुरू किया, वो नदी पार जाने लगी और आने लगी। क्या बात है, हमारा देश श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का बिंदु है, जिसके दिमाग में श्रद्धा आ गई वो जीवंत हो गया। आदरणीय जन समुदाय, एक दिन उस ग्वालन ने पंडित जी से कहा, पंडित जी भोजन करने चलिए,
पंडित जी को ले गई, उसने राम नाम लिया, नदी पार कर गई। पंडित जी की हालत खराब हो गई। पंडित जी ने सोचा ये क्या हो रहा, ये तो राम नाम लेकर। पंडित जी ने कहा भाई हमारे लिए नाव मंगाओ। ग्वालन कहने लगी महाराज आप ही ने तो कहा कि राम नाम लेने से लोग भवसागर पर जाते हैं। उस दिन पंडित जी की आंख खुल गई कि मैं व्यास नहीं हूँ, व्यास ये है। क्या बात? कारण ये है जो श्रद्धा को जो विश्वास से अपने हृदय में बसा लेता है, संसार में व्यास ज्ञानी भक्त वही होता है, ये ना कि ये सोचने वाला किसको क्या मिल रहा है। सुनिएगा, जिस समय इतना कहा तो देखिए पंडित जी से भगवान ने कहा, भगवान ने कहा सुनो, क्या सुनो, कि मैं हूँ सब कुछ देखता, को सुनिएगा। हमारी आदत है जब तक बात वजनदार ना हो तो बोलता नहीं होगा। भैया जी सुनिएगा, व्यास जी से कहा भगवान ने कि मैं सब कुछ हूं देखता, ये कैसा है संसार, और राम कली के 300 हो जाए बेकार। क्या बात भैया, क्या बात है? हजार रे समझो, क्योंकि तुम्हारा मेहनत का है, श्रद्धा का है, और क्या भाव का है, तुमने समाज को सीख दी है। क्योंकि अच्छे काम करने पर धन कम मिलता है, पर यश अधिक मिलता है, सुयश अधिक मिलता है, उसकी सदगति अच्छी होती है। मैं तो तेरे 30 रुपए के बेटा होंगे 30,000 रे, ये हद कर दी है मैंने, 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 ये हद कर दी मैंने। 30 रुपए के 30,000 दिए, यानी 100 गुना दे दिया तुमको। ये हद की है, ये हद कर दी है मैंने, ये हद कर दी है मैंने, 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 वहां हद नहीं की मैंने, हद यहां पर मैंने कर दी। तेरे 30 रुपए को मैं 30,000 किए दे रहा हूं।